हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है, टावर फैन या पेंगुइन बोल सकते हैं, तो ये फैन जो है हमारा फ्रेंड ख़राब हो चुका है या चल नहीं रहा किसी कारण बस। तो ये हमारे शॉप पे रिपेयर होने के लिए आया हुआ, तो आज इस वीडियो में जानेंगे इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं, नॉर्मली पार्ट जो है क्या क्या लगा हुआ है और इसमें क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक करेंगे। तो इस वीडियो पर बने रहिएगा और चलिए आगे इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। और जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो वो सबसे पहले आप देख पाएंगे। वैसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास स्क्रूब लगी हुई थी, ये सारे स्क्रूब को खोल लेनी साइड साइड से। मुझे भी स्टार्टिंग में पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से कौन सा स्क्रूब खोलेंगे, तो पीछे तरफ ही स्क्रूब लगी हुई थी। यहाँ पे एक छोटा सा मोटर लगी हुई या सिंगल फेज का मोटर बोलेंगे, जो कि कैपेसिटर से चलती है, 3 या 4 वायर इसमें निकलती है। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ, कैपेसिटर चेंज करके भी यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर मोटर फ्री है तो। अगर कोयल जल गया तो फिर कोई उपाय नहीं है, कोयल ठीक है तो यहाँ पे कैपेसिटर काला कलर का यहाँ पे साइड में कैपेसिटर लगा हुआ, उसको चेंज करके यहाँ पे इस बंद वाली प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा जो है, यहाँ पे कैपेसिटर का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे इसका स्विच का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे न्यू स्विच या मॉडिफाई स्विच कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसी के बारे में इस वीडियो में पूरा कम्प्लीट दिखाएंगे, जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे आप। तो चलिए, पहले यहाँ पर कचड़े जम गया था तो सभी कचड़े को मैंने साफ कर दिया, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा देखने में और काम करने में। तो चलिए, मैं यहाँ पे स्विच अभी आपको लगा के दिखाऊंगा, बहुत ही आसान है फ्रेंड लगाना। तो यहाँ पे हमने क्लीनिंग कर लिया और अभी मैं यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है ये क्लीन हो चुका है लगभग, और यहाँ पे हमने क्लीन कर लिया, अब इसको ओपन करेंगे। तो ये हमारा मोटर है और यहाँ पे एक ये वाली वायर जो है कैपेसिटर का, इस वाले कैपेसिटर को चेंज करके यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे सभी वायर, अगर वायर यहाँ से ख़राब होगा तो वायर आपका नहीं काम करेगा, वायर की वजह से भी प्रॉब्लम होता है। तो चलिए, मैं यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। अभी चलिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इसको खोल लिया हूँ और यहाँ पे स्विच लगा के आपको दिखाएंगे। यहाँ पे नीचे में 2 स्क्रूब लगी हुई है, ये दोनों स्क्रूब को खोलना होगा तभी जाके आपको निकलेगा ये आपका आगे का बोर्ड पैनल या स्विच वाली पैनल जो है। तो यहाँ पे स्विच जो है फ्रेंड पूरा पूरी डैमेज हो चुका है, इसको पूरा तरीके से न्यू लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको निकाल के हटाएंगे और नया मॉडिफाई स्विच यहाँ पर लगाएंगे फ्रेंड। और एक स्विमिंग का स्विच है और एक यहाँ पर टाइमर लगी हुई, टाइमर हमारा जो है ये ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे ये वाले स्विच को हटाएंगे और यहाँ पे न्यू स्विच को लगाएंगे, जो कि नया स्विच मैं आपको दिखाऊंगा, वो वाली स्विच यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, जो मक्खी स्विच के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे स्विच हमारा यहाँ पे निकला हुआ, इसको यहाँ पे टाइट कर दें ताकि शोभा दिखेगा आके। तो चलिए, मैं यहाँ पे इसको सोल्डिंग आयरन की मदद से यहाँ पे टाइट कर देते हैं, ये आप अपना तरीके से सील कर लीजिएगा। ये मैं सील कर दे रहा हूँ ताकि आगे से अच्छा दिखे, कोई ख़राब ना दिखे। अब चलिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे न्यू स्विच इंस्टॉल करेंगे। तो हमारा जो न्यू स्विच है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा मक्की स्विच है, इसी स्विच को यहाँ पे लगाऊंगा। इसमें L लिखा हुआ और 1, 2, 3 नंबर L में लगेगा मेन लाइन और
बाकी तीन वायर जो है वो मोटर की वायर लगेगी स्पीड वाली, जो तीनों वायर है, जो कि मैं अभी यहाँ से स्विच से खोल के लगाऊंगा। तो बहुत ही ईजीली है, यहाँ पे स्विच के लिए एक होल करेंगे जगह देख के, जहाँ पे अच्छी तरीके से स्विच इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि स्विच का जगह इंस्टॉल करने में थोड़ा सा बहुत ही दिक्कत आया था और बहुत ही टाइम लगा था मुझे इंस्टॉल करने में। तो मैं यहाँ पे वीडियो फास्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, और देखिए थोड़ा सा आगे तक मैं करना पड़ रहा है, अरे दो होल करना पड़ता जो कि स्क्रू इजीली टाइट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे दो होल भी कर लिया, एक यहाँ पे और एक उस साइड में, तो ये दोनों में स्क्रू लग जाएगा। बाकी तीन वायर को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, और एक लाइन वाली वायर जो कि एल करके निशान दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे स्विच में कनेक्शन करने से पहले सारे स्विच में सोल्डिंग कर लेंगे, ताकि इजीली कनेक्शन करने में आसानी होगा। सारे स्विच में थोड़ा थोड़ा करके लगा लेंगे, ताकि न्यू में सोल्डिंग करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारा हो चुका है, ये लाइन का मेन, हाँ ये मेन लाइन का लाइन में कनेक्ट करेंगे। बाकी एक दो तीन नंबर है, एक दो तीन नंबर किसी में भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा काम कर सकता है स्पीड, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपस में चेंज कर लेंगे एक दो तीन नंबर में, तो आपका जो है स्पीड सही हो जाएगा, स्लो लो हाई आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर तीनों का तीनों लगा लेते हैं, बहुत ही आसान है फ्रेंड। और मैं वीडियो को ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा ये नहीं किया हूँ, ताकि इजीली आप इसको समझ पाएंगे। और एक वायर और जुड़ा हुआ फ्रेंड, वो आपका लाइन वाला जो रेड वाला वायर जुड़े उसमें जुड़ेगा, तो वो भी लास्ट में जोड़ के दिखाऊंगा। पहले तीन वायर को मैं यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो एक ये वायर को जोड़ते हैं यहाँ पे, ये हमारा जुड़ गया, और एक ये वायर को यहाँ पे जोड़ते हैं। तीनों को कहीं भी जोड़ सकते हैं, एक दो तीन नंबर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ये वाले इसमें पॉइंट में जोड़ देंगे। अब ये तीनों का तीनों मेरा कनेक्शन हो गया है फ्रेंड, और एक कनेक्शन और बचा है जो कि यहाँ पे लाइन वाले पॉइंट में जोड़ेंगे, जो कि ये स्विमिंग का स्विच है, तो उसका भी लाइन यहीं से गया है, जो कि वन अप यहाँ से होगा। तो चलिए फ्रेंड, हमारा जो है पूरे तरीके से कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, आप भी इजीली इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा लाइक एंड कमेंट, और जो इस चैनल पर न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ, देखिए हमारा यहाँ पर चल रहा है फ्रेंड, तो आगे वीडियो में भी चला के दिखाऊँ। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो और इसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड।